I'm also a student like you. The most important part in that introduction is your uh, introduction of the introduction. The hook sentence, sentence that is the most important thing. Mm -hmm. Alaikum With uh, yet another video on introduction. Okay, introduction of an essay. If you talk about इसके चार बेसिक पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के चार बेसिक पार्ट्स जिनको अगर हम आ, बताना चाहें तो दैट विल बी दैट्स ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं अटेंशन कैटर और दूसरा पार्ट जो होता है स्टेट योर प्रॉब्लम थर्ड पार्ट जो होता है ट्रांजिशन सेंटेंसेस का होता है और फोर्थ जो पार्ट होता है वो होती स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने कल बात की थी तो जब भी आप कोई ऐसे स्टार्ट करते हैं कोई ऐसे का टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है आउटलाइन के बैस डेफिनेटली आउटलाइन के बाद तो जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ आप डाल दें कोई ऐसा हुक डाल दें कि आपका जो रीडर है आपको छोड़ के कहीं ना जाए ठीक है कुछ ऐसा होना चाहिए कुछ कुछ नया होना चाहिए कुछ थोड़ा सा अटेंशन आपकी उसकी डाइवर्ट ना हो जाए एग्ज़ामिनर क्यों पढ़े भाई आपका आपका पूरा ऐसे क्यों पढ़े देट शुड बी रीजन राइट तो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ज़रिए आप एग्जामिनर को हुक कर सकते हैं एग्जामिनर को कंट्रोल uh, कर सकते हैं दैट द फर्स्ट इज कोई किसी उस टॉपिक के बारे में किसी स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग किसी बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं पहला पॉइंट किसी बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं या फिर किसी तगड़ी सी कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है आ, अगर ये भी नहीं हो सकता तो थर्ड स्ट्रेटजी आपके लिए है किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें कोई क्वेश्चन क्रिएट कर लें ठीक है तो किसी क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं थर्ड तो ये हो गया फोर्थ में आप क्या कर सकते हैं किसी पजल से किसी सरप्राइजिंग फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी फैक्ट से स्टार्ट कर लें कोई फैक्ट इन किसी फिगर से सिंपली किसी नंबर से किसी फैक्ट से और फिफ्थ uh, पॉइंट आप कर सकते हैं किसी शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं जिसको हम एनेक्डोटल स्टार्ट कहते हैं नॉर्मली किसी हल्की सी छोटी स्टोरी से स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल देर वाज एक देर वाज एन एसे ऑन क्लाइमेट चेंज एंड आई अ स्मॉल स्टोरी ऑफ देर वाज अ वूमन नीमड फलाना इन द लैंड्स ऑफ किसी जगह एक खातून का नाम था दिस uh, वॉज द स्टोरी एक्चुअली uh, uh, कि दूमन डाइट ऑफ ड्यू टू दीक ऑफ वाटर ठीक है उसको पानी नहीं मिला जिसकी वजह से वो uh, कितने दिनों तक उसके पहले उसका बच्चा मर गया उसके बाद वो खातून मर गई एंड बाद में पता चल गया कि दैट वॉज लीक ऑफ वाटर और मल न्यूट्रिशन की वजह से सिम्पली आप कह सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से वो मर गई हैं तो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ ऑफिंग क्लाइमेट चेंज इन 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 स्टेट ऑफ इन द स्टेट ऑफ घाना आई विद दैट इम्प्रेसिव उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में कॉमन मिसकैप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं ढूंढ के रखें आप जो भी टॉपिक तैयार करते हैं उसके बारे में आपने स्टार्ट कैसे करना है हुक कैसे करना है तो दिस इज एक्चुअली वट यू डू कि आप किसी पॉइंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक मिसकसेप्शन तैयार करके रखें कि भाई जब ऐसा टॉपिक आ जाए तो मैंने ये करना है ठीक है <coughs> या फिर बहुत ही सादी सी है अक्सर स्टूडेंट्स की यही अप्रोच होती है कि दे गो विद डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम या फिर एक और प्रोसेस uh, आपके पास है दैट इज़ uh, एक एनालॉजी से आप स्टार्ट करते हैं किसी एनालॉजी के ज़रिए और उसके अलावा आपके पास प्रोसेस होता है uh, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर लिया ठीक है तो दीज़ आर सम्रैटीज़ विच कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस योर इंट्रोडक्शन इन इन देंस दूसरा जो हमारा था वो है ब्रिज कैसे करना है अपनी प्रॉब्लम कैसे शेयर करनी है उसके अंदर सबसे पहले था आपका अटेंशन गेटर था उसके बाद अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है यानी टॉपिक शेयर करना है कि आपका डांस का जो जो टॉपिक है वो टॉपिक बता के आ रहा है ठीक है टॉपिक को थोड़ा सा डिफाइन करना उसके बाद तीसरा हमारे पास था कि ट्रांजेशन सेंटेंसेस जो आपके पास आपके ट्रांजिशन सेंटेंस हैं वो यूज करके आपने मूव ऑन करना है द स्टेटमेंट कि आपका इशू क्या है मैक ब्रिज टू कनेक्ट द अटेंशन गेटिंग सेंटेंस टू यी स्टेटमेंट उसके बाद आपने क्या करना है कॉमन वे टू मैके ब्रिज इज टू एक्सप्लेन वाई द टॉपिक इज इंपोर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा सटक दें उसके बाद दिस ब्रिज इज़ ऑफन ए फ्यू सेंटेंसेस लॉन्ग ये जो ब्रिज सेंटेंसेस होते हैं ये दो तीन सेंटेंस होते हैं जिसके जरिए आप बता रहे होते हैं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और ये पूरा ऐसे इसके ऊपर क्यों लिखा जा रहा है तो कंक्लूड इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई ऑफ द एस द दीसिस स्टेटमेंट और उसके बाद जाके इंट्रोडक्शन का जो कंक्लूजन होता है दैट इज़ योर थी स्टेटमेंट या फिर थी स्टेटमेंट्स वन टू या फिर थ्री स्टेटमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबली नॉर्मली कहा जाता है कि तीन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं तो उसके बाद जो हमने थी स्टेटमेंट की बात की थी उसी प्रोसेस के जरिए आप थी स्टेटमेंट लिखे हैं दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंट्रोडक्शन इज़ योर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन द हुक सेंटेंस सबसे पहला जो सेंटेंस होता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सो सी यू विना दीडियो इनशाला हाफिज़